फंक्शन के बाद अदिति अपने परिवार को छोड़ने बस स्टैंड पहुंच गई, पर उनकी बस निकलने में अभी वक्त था, इसलिए सब वहीं बेंच पर बैठ गए। सब आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से वहां अतिरेक आ गया। उसे देखकर अदिति चौंक गई और उसके चेहरे के भावों से सारा और अनुष्का समझ गईं कि यही अतिरेक है। हाय अदिति, तुम यहाँ? अतिरेक ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा। तो अदिति मन ही मन ये सोचकर कि ये यहाँ कैसे आ गया, घबराते हुए बोली, हाँ वो मैं, इससे तो एक्टिंग होने से रही, मुझे ही करनी पड़ेगी। ये सोचकर अतिरेक बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आई थिंक ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, राइट? हाँ वो ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये कहते हुए अदिति मन ही मन सोचने लगी, आज तो पक्का मरवाएगा ये। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए अदिति के माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और ये देखकर अदिति के घबराए हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंकल आंटी, मैं अतिरेक हूँ, अदिति का क्लासमेट, अतिरेक ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा और फिर बाकी के सारे बड़े लोगों का भी आशीर्वाद लिया। आजकल के लड़के में भी इतने संस्कार देखकर अदिति के परिवार को बहुत खुशी हुई और अदिति की माँ मुस्कुराते हुए बोली, खुश रहो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अदिति की क्लास में तुम्हारे जैसे संस्कारी बच्चे पढ़ते हैं, वरना आजकल के लड़के आशीर्वाद लेना तो दूर, बड़ों के सामने झुकने में भी शर्माते हैं। इस बार अदिति के पिता हंसते हुए बोले, पर मुझे मेरे संस्कार याद है अंकल, क्योंकि ये मुझे मेरी माँ से मिले हैं और अपनी माँ से मिली कोई भी चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर में अतिरेक ने अपने व्यवहार और बातों से सबको अपना बना लिया। ये देखकर अदिति को बहुत खुशी हुई। सारा और अनुष्का को भी अतिरेक से बात करके बहुत अच्छा लगा, पर वो दोनों उससे अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए सारा ने प्यास का बहाना बनाया और फिर वो दोनों अतिरेक को साथ लेकर पानी की बोतल लेने चली गईं। सो होने वाले जीजू, इम्प्रेशन तो काफी अच्छा जमाया है आपने हमारी फैमिली पर, सारा ने उसे एक कोने में ले जाकर कहा। इम्प्रेशन तो जमाना पड़ेगा ना साली साहिबा, आपकी दी ऐसे तो मिल नहीं जाएंगी मुझे, अतिरेक ने हंसते हुए कहा। इन सब में आप कुछ भूल नहीं रहे, अनुष्का ने कहा। क्या? अतिरेक ने पूछा। हमारा चैलेंज, याद है फोन पर हमने आपको कुछ चैलेंज दिया था, सारा ने कहा। तो अतिरेक मन ही मन सोचने लगा, मर गया, उस टाइम तो मजे मजे में बोल दिया था, पर अब वो चैलेंज पूरा करना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। ये सोचते हुए अतिरेक अभी कुछ देर पहले सारा और अनुष्का के साथ फोन पर हुई बातों को याद करने लगा। जीजू हमें आपसे मिलना है, पर दी हमें आपसे मिलवाने के लिए तैयार ही नहीं है, अनुष्का ने फोन उठाते ही एक सांस में पूरी बात कह दी। तुम्हारी दी ना बस मेरे सामने झांसी की रानी बनी फिरती है, बाकी सबके सामने तो उसकी टाए टाए फिश हो जाती है। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हारी दी में हिम्मत ही नहीं है, छोटी सी बात से भी डर जाती है, अतिरेक ने हंसते हुए कहा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप किसी से भी नहीं डरते, अपनी बहन की बुराई सुनकर सारा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं किसी से नहीं डरता, अतिरेक ने अकड़ कर कहा। अगर ऐसी बात है जीजू तो हम आपको एक चैलेंज देते हैं, अगर आपने वो पूरा कर लिया तो हम मान जाएंगे कि आप किसी से नहीं डरते, इस बार अनुष्का ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चैलेंज तो यूं चुटकी बजाते ही कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, अतिरेक ने डींगे हाँकते हुए कहा। ठीक है तो आपका चैलेंज ये है कि आपको सारे घर वालों के सामने दी को किस करना होगा, और वो भी ऐसे कि घर वाले आपको किस करते हुए ना देखें, क्योंकि अगर उन्होंने देखा तो आप खुद भी जानते होंगे कि क्या होगा, अनुष्का ने हंसते हुए कहा। जीजू कहाँ खो गए आप, सारा की इस आवाज में अतिरेक को उसकी सोच के समंदर से बाहर निकाल दिया और वो मन ही मन बोल उठा, क्या जरूरत थी इतने एटीट्यूड में चैलेंज एक्सेप्ट करने की, सच में इस चैलेंज के चक्कर में अगर कुछ उल्टा हो गया ना तो अदिति मेरी जान ले लेगी। तो फिर आप खड़े क्यों हैं, चलिए, अनुष्का ने कहा
तो अतिरेक फिर से मन ही मन बोल उठा, यार मैं हमेशा से खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, पर ये मेरी सालिया तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। बचा लेना भगवान आज अदिति के कहर से। हाँ हाँ चलो, अतिरेक ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा। दूसरी तरफ अदिति भी सोच में डूबी हुई थी। ये तीनों पानी लेने गए हैं या कुआं खोदने? वैसे ये अतिरेक यहाँ कर क्या रहा है? कह तो रहा था कि अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने आया है, मगर इसका कोई रिश्तेदार आने वाला होता तो ये कल पक्का बताता मुझे। जरूर अनु और सारा ने बुलाया होगा इसे, मेरा फोन भी तो उन दोनों के पास ही था, अभी जाकर बताते हो इन तीनों को। ये सोचकर अदिति जैसे ही चलने को तैयार हुई, सामने से वो दोनों खुद ब खुद ही आते दिखाई दिए। जीजू याद है ना चैलेंज, आज ही पूरा करना है, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सारा ने धीमी आवाज में अतिरेक को हिदायत देते हुए कहा। हाँ हाँ याद है याद है, अतिरेक ने घबरा कर कहा। अतिरेक अदिति के बगल में खड़ा हो गया। ये देखकर अदिति ने गुस्से में उसे घूरा तो अतिरेक डर कर दूसरी तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, बेटा अतिरेक आज तो तू पक्का गया, तेरी ये सालियां शादी से पहले ही अपने घर वालों से तेरा बैंड बजवा देंगी। अतिरेक बच्चों की सी शक्ल बनाकर अनु और सारा की तरफ देखने लगा तो उन दोनों ने उसे चुपके से ऑल द बेस्ट का इशारा किया। अदिति ने उन दोनों को इशारा करते हुए देख लिया और वो घबराते हुए सोचने लगी, पक्का इन तीनों में कोई खिचड़ी पक रही है और हो ना हो उसके खिचड़ी का टारगेट मैं ही हूँ, इसलिए ये यहाँ आकर खड़ा हुआ है, इससे पहले ये कुछ करे मैं यहाँ से हट जाती हूँ। इज्जत का सवाल है अतिरेक, जल्दी कुछ सोच। अतिरेक मन ही मन बुदबुदाया और जैसे ही अदिति वहां से जाने लगी, अतिरेक जल्दी से बोल पड़ा, अंकल कहीं वो बस जो पीछे से आ रही है वो ही आपकी बस तो नहीं? अतिरेक की बात सुनकर सब पीछे मुड़कर बस की तरफ देखने लगे। इसी बीच अतिरेक ने जल्दी से अदिति के गालों को चूम लिया और फिर शरारती मुस्कान के साथ मासूम चेहरा बनाकर अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। अदिति उसके इस अचानक किए कारनामे को देखकर हैरान रह गई और अपने गालों पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखने लगी। सारा और अनुष्का ने जब पलटकर अदिति की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भावों से वो समझ गई कि अतिरेक ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। चैलेंज कंप्लीटेड, अतिरेक ने सारा और अनुष्का को इशारे में समझाते हुए कहा तो उन दोनों ने भी वेल डन का इशारा कर दिया। नहीं बेटा ये हमारी बस नहीं है, अदिति के पिता ने कहा। मुझे लगा शायद यही है, अतिरेक ने बड़ी मासूमियत से कहा। तभी अदिति की माँ की नजर अदिति की तरफ गई और वो उसे देखकर हैरानी से बोली, तुझे क्या हुआ है, तू ऐसे गाल पर हाथ रखकर क्यों खड़ी है? उनकी बात सुनकर अनु सारा और अतिरेक को हंसी आ गई और अदिति गुस्से में उन तीनों को घूरते हुए बोली, वो माँ गाल पर मच्छर था बस उसे ही मार रही थी। सब फिर से बातें करने लगे और थोड़ी देर में बस आ गई। घर वालों के जाने की बात से अदिति बहुत भावुक हो गई तो अदिति के पिता उसे संभालते हुए बोले, अरे तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, तो फिर ये आंसू क्यों? डैड मत जाइए ना प्लीज, अदिति ने रोते हुए अपने पिता के गले से लगते हुए कहा। जाना तो पड़ेगा ना बच्चा, और तू परेशान क्यों हो रही है? बस दो ही महीनों की तो बात है, फिर तो तू भी आ जाएगी ना हमारे पास, अदिति के पिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अदिति के आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे, इसलिए अदिति के पिता अतिरेक की तरफ देखते हुए बोले, बेटा। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाते अतिरेक मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, चिंता मत करिए अंकल, मैं जानता हूँ रात बहुत हो गई है, इसलिए मैं इसे सही सलामत इसके हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। थैंक यू बेटा, तुम्हें पता है ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं मेरी जिंदगी है, मुझसे दूर जरूर है पर हर पल हर मिनट मुझे इसकी फिक्र लगी रहती है, अदिति के पिता ने अदिति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ अंकल, अब आप आराम से जाइए, मैं इसे हॉस्टल छोड़ दूंगा।